everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ तनु. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज का जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव प्लस ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हाइलाइटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन भी दूंगी अच्छे से, और साथ ही साथ हाइलाइटर का ट्यूटोरियल भी करके दिखाऊंगी. सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे आपको टिप्स बताने वाली हूँ और बहुत डिटेलिंग में इन्फॉर्मेशन दूंगी. सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली जो मेरी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए. तो ज़्यादा बात ना करते, चलो वीडियो चालू करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाइलाइटर का काम क्या होता है. हाइलाइटर का काम ये होता है कि जितने भी हमारे फेस के हाई पॉइंट्स हैं वो उसे इन्हेंस करता है. साथ ही साथ हाइलाइटर यूज़ करने से हमारा जो फेस होता है वो काफ़ी ग्लोइंग दिखता है, काफ़ी शाइनिंग दिखता है और एक नेचुरली शाइन सा दिखता है. हम काफ़ी एक्ट्रेस को देखते हैं जिनका फेस काफ़ी ग्लोइंग दिखता है, तो वो हाइलाइटर के थ्रू ही होता है. अब बात कर लेते हैं कि हाइलाइटर कितने टाइप के होते हैं. हाइलाइटर 5 टाइप के होते हैं. एक होता है बेक हाइलाइटर, एक होता है स्टिक हाइलाइटर, एक होता है लिक्विड हाइलाइटर, एक होता है हाइलाइटर पैलेट और एक होता है लूज पाउडर वाला हाइलाइटर. अगर आप बेक हाइलाइटर लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऑफ वाइट कलर का लीजिएगा, क्योंकि वो लगभग हर स्किन टोन से मैच हो जाता है. और जो लिक्विड हाइलाइटर होता है उसमें काफ़ी हाई पिगमेंटेशन होता है, कि वो हल्की से एक या दो ड्रॉप से आपके फेस को अच्छे से हाइलाइट कर सकता है. मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप स्टिक हाइलाइटर लें, क्योंकि स्टिक हाइलाइटर वो यूज़ करते हैं जिनकी स्किन काफ़ी क्लियर होती है, लाइक उनके फेस पर कोई पिंपल्स नहीं होते, कोई एक्निक मार्क्स नहीं होते और एजिंग प्रॉब्लम भी ना हो, स्किन मैच्योर भी ना हो. तो जिन जिन के साथ ये चीज़ें ना हो तो वो ही स्टिक हाइलाइटर यूज़ करें. वहीं अगर आप हाइलाइटर पैलेट लेते हैं तो आपको कलर चॉइसेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी. और जो लूज पाउडर हाइलाइटर होता है वो बॉडी पे लगता है, लाइक आपकी नेक पे लग जाएगा, आपकी बाजुओं पे लग जाएगा. कुछ लोग पूछते हैं कि हम नाइट पार्टी में जा रहे हैं तो हम गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज़ करें या सिल्वर कलर का. जी, आप किसी भी कलर का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, पर वो आपको चूज ऐसे करना है डिपेंड ऑन योर ड्रेस. अगर आपकी ड्रेस पे गोल्डन कलर का ज़्यादा वर्क हो रहा है तो आप गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज़ कीजिए, और अगर आपकी ड्रेस पे सिल्वर कलर का वर्क ज़्यादा हो रखा है तो आप सिल्वर कलर का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं. और जो सबसे बेस्ट कलर होता है हाइलाइटर में वो होता है ऑफ वाइट कलर. एवरीडे लुक में हम ऑफ वाइट कलर का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं. अभी तक हमने बात की कि हम हाइलाइटर क्यों यूज़ करते हैं और हाइलाइटर कितने टाइप के होते हैं. अब हम बात करते हैं कि हमें हाइलाइटर अपने फेस पर कहाँ यूज़ करना है. बेसिकली हम हाइलाइटर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे फेस पर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है. जहाँ हमारे फेस पर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है वहाँ हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं, और जहाँ पर सनलाइट का शेडो होता है, यानी कि जब हम हंसते हैं ना ऐसे, तो यहाँ तो हमारी सनलाइट पड़ती है और ये जो चीज़ होती है ना गाल के यहाँ पर नहीं पड़ती, यहाँ पे शेडो पड़ता है इसका गाल का. तो यहाँ पर हमें कंटूर यूज़ करना होता है, और जहाँ पे शेडो पड़ रही है सनलाइट की तो यहाँ पर हमें हाइलाइटर यूज़ करना होता है. नोज़ पर करना होता है, यहाँ पर करना होता है, इधर करना होता है, या इन सभी पॉइंट्स पर हमें हाइलाइटर यूज़ करना होता है. बेसिकली हमें हाइलाइटर टी जोन में यूज़ करना होता है, और उसके साथ ही साथ हम आईब्रोज के नीचे भी लगाते हैं हाइलाइटर, जहाँ पे आई शेडो ख़त्म हो रहा है और आईब्रोज ख़त्म हो रही है, उसके बीच का जो गैप होता है वहाँ पे हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं. उससे ये होता है कि हमारी जो आईब्रोज होती है लिफ्टेड उठी सी नज़र आती है, और जो लुक में बहुत प्यारी लगती है. और साथ ही हम नोज़ ब्रिज पर भी करते हैं, इससे ये होता है कि हमारी जो नोज़ होती है वो काफ़ी स्लिम नज़र आती है और काफ़ी शाइनिंग दिखती है. इसके अलावा हमें हाइलाइटर चिक बोन्स पर भी यूज़ करना होता है. अब चिक बोन का हम कैसे पता करेंगे? आप हाथ लगाइए जहाँ पे आपकी हड्डी ख़त्म हो रही है ना, ये हड्डी आपको टच हो रही है, ये चीज़ ये हमें हाइलाइट करना होता है. और इसे ना ज़्यादा आगे लेके आते हैं और ना ज़्यादा पीछे. जो आई बॉल है ना, आई बॉल के सेंटर तक आँखें खोलिए, नॉर्मल आई बॉल के सेंटर यहाँ से, और ये जहाँ आईब्रोज आपकी ख़त्म हो रही है, बेसिकली इतना से पॉइंट्स पे हमें ये हाइलाइटर यूज़ करना होता है और चिक बोन पर ही लगाना होता है. अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई प्लेन ब्रश यूज़ कीजिए अपने फेस को हाइलाइट करने के लिए, या उसके अलावा आप ऐसे फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. हाइलाइटर यूज़ करने के लिए बेसिकली हम फैन ब्रश यूज़ करते हैं,
बट वो वही यूज़ करे जिनको हाइलाइटर लगाना आता है, और हमें हाइलाइटर ज़्यादा फैला के नहीं लगाना होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे फ्लैट ब्रश से ही हाइलाइटर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी स्किन टाइप वालों को कौन सा हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑयली स्किन वालों की। ऑयली स्किन वालों को लिक्विड हाइलाइटर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऑयली स्किन वालों के जो पोर्स होते हैं फेस के, वो ओपन हो जाते हैं, और अगर हम उन ओपन पोर्स पर हाइलाइटर अप्लाई करते हैं तो वो ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, जो लुक में बहुत गंदा दिखता है। तो ऑयली स्किन वाले लिक्विड हाइलाइटर की जगह बेक्ड हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों को ध्यान देने वाली बात एक और है कि जब भी वो बेक्ड हाइलाइटर यूज करे तो वो ज्यादा शिमरिंग वाला ना हो, वो मैट लुक में हो, क्योंकि जब वो ओपन पोर्स में शिमर जाएगा तो वो ज्यादा विजिबल होंगे। इसलिए ऑयली स्किन वालों को जो बेक्ड हाइलाइटर यूज करना चाहिए वो शिमरिंग ना हो और मैट लुक वाला हो, वो वाला हाइलाइटर यूज करना चाहिए। ड्राई स्किन वालों को लिक्विड हाइलाइटर यूज करना चाहिए, या क्रीम फॉर्म वाले जो हाइलाइटर आते हैं वो वाले हाइलाइटर यूज करना चाहिए। ड्राई स्किन वालों को बेक हाइलाइटर या हाइलाइटर पैलेट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी स्किन और ज्यादा ड्राई दिखती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से स्किन कलर वालों को कौन से कलर का हाइलाइटर यूज करना चाहिए। जिनका कलर काफी फेयर होता है वो इस टाइप के कलर यूज कर सकते हैं लाइट अपने स्किन के ऊपर, और जिनका कलर मीडियम होता है या फिर कह लो गेहुआ कलर होता है, वो ब्रिटिश टोन के कलर यूज करें, लाइक दिस वन। ये हल्का सा पिंकी शेड में है, लाइट कलर भी है और पिंकी शेड में भी है। ये मीडियम कलर वालों के लिए सही रहेगा, और ये काफी फेयर कलर जिनका होता है ना उन पे अच्छा लगेगा। और जिनका कलर डार्क होता है उन्हें डार्क कलर के हाइलाइटर यूज करने चाहिए। डार्क कलर वाले अगर इस कलर का हाइलाइटर यूज करेंगे ना तो बहुत भद्दा लगेगा, ऐसे लगेगा कोई लाइन सी खींच रखी है व्हाइट कलर की। सो डार्क कलर वाले जिनका कलर थोड़ा डार्क है वो इस टाइप के कलर यूज करें। मैंने मेकअप में हाइलाइटर यूज नहीं किया था, सो अब मैं आपको अपने फेस पर हाइलाइटर अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले टी पॉइंट पे लगाना है, किसी किसी को हाइलाइटर नोज पर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करना अच्छा लगता है, पर मैं अपनी पूरी नोज़ पर हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी नोज़ काफ़ी लंबी दिखती है और पतली भी दिखती है, दिख रही फ़र्क। मैंने यहाँ हाइलाइटर लगाया, यहाँ नहीं लगाया, आप खुद देख सकते हैं। ये मेरी आईब्रोज ऊंची ऊंची दिख रही है और ये बिल्कुल फ्लैट से दिख रही है, आप खुद ही अंतर देख लीजिए। मैंने आपको बताया था यहाँ हड्डी को छूइए एक बार, ये यहाँ लगाना है और इसे अच्छे से ब्लेंडिंग करना है, यहाँ से ऐसे, इसे यहाँ नहीं लेके जाना, हम करते करते यहाँ पे आईब्रोज के नीचे ले जा सकते हैं। तो गाइज मेरी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।